सुरक्षित ढंग से काम करते हुए और प्रोडक्शन को अचीव करते हैं, जीरो पोटेंशियल अचीव करते हुए पूरा प्रोडक्शन को अचीव करते हैं और हम लोग मिनी रत्न को प्राप्त किए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इसी तरह सालों भर सुरक्षित रहकर और मिनी रत्न से महारत्न को प्राप्त करें, और इसी के लिए हम लोग सालों भर जो है कोशिश करते हैं और मनाते हैं, और अगले साल भी हम लोग इसी तरह से स्वस्थ रहकर और सुरक्षित ढंग से काम करते हुए पूरे प्रोडक्शन को अचीव करेंगे ये, और हम लोग इस उद्देश्य को पारित करेंगे कि हम लोग सुरक्षा पखवाड़ा मनाते हैं, सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। सुरक्षा के मामले में हमने देखा है कि हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पीपी। पीपी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हेलमेट। इसमें बहुत सारे चीज आते हैं, गम्बूट आते हैं, कैप लैंप आते हैं, मेथेनोमीटर आते हैं, सेफ्टी लैंप आते हैं, फ्लोरोसेंट जैकेट आते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको लगता है हेलमेट, इसलिए हेलमेट के बारे में मैं दो चार लाइन कहूंगा, इसे ध्यान से सुनेंगे। हेलमेट को सदा अपने पास अपनी जान समझकर रखना, हेलमेट को सदा अपने पास अपनी जान समझकर रखना, खुद के लिए ना सही अपनों का प्यार समझ के रखना, रखना चाहे बोझ समझकर मगर रख लेना, ताकती हुई उन आंखों का इंतजार समझकर रख लेना। घर में बहुत सारे लोग ड्यूटी आने के बाद इंतजार करते रहते हैं, वही कहना है कि ताकती हुई उन आंखों का इंतजार समझकर रख लेना, चाहे मन मार कर रखना मगर किसी के सर का ताज समझ कर रख लेना। हम लोगों को सॉफ्ट होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसी से संबंधित दो लाइन में और कहना चाहूंगा। एक बार एक नदी एक समुद्र के पास गया और नदी ने समुद्र से कहा, तो बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं बड़ा बड़ा पेड़, मकान, पहाड़, मनुष्य, पशु इत्यादि सभी को मैं बहाकर आपके पास लाकर आपको समर्पित कर दूं। समुद्र ने सोचा कि भाई लगता है इस नदी में बहुत ज्यादा अकड़ और अहंकार आ गया, तो उसने कहा ठीक है, तुम इतना कुछ क्या लाओगे, तुम जो है हमारे लिए दो चार घास उखाड़ के ला दो। इस क्रम में नदी ने कहा, पहले तो हंसा, उसके बाद कहा, बस मैं इतना बड़ा बड़ा चीज बहाकर तोड़ कर ला देता हूं और आप जो है सो सिर्फ दो चार घास की बात करते हैं। तो फिर नदी ने कहा ठीक है, मैं तुरंत आपको समर्पित करता हूं। उसके बाद नदी जो है अपना प्रचंड वेग को तैयार किया और घास की ओर बहा, लेकिन जैसे ही प्रचंड वेग आया और घास जो है छुप कर नदी को बहने के लिए आगे बढ़ा। इस तरह से नदी हार नहीं मानी और वो प्रचंड वेग को बहाता रहा, लेकिन उसी तरह से घास जो है झुक कर ऊपर से नदी को बहते रहने दिया, उसका एक बाल बाका भी नहीं हुआ। लास्ट में जब नदी का बहाव हार गया तो नदी ने फिर से झुक कर समुद्र के पास गया और बोला, भाई मैं हार गया, मैं घास उखाड़ के तो नहीं ला सका, मैं बड़े बड़े चीज को उखाड़ कर ले आता हूँ, लेकिन आपके कहे अनुसार घास को उखाड़ कर नहीं ला सका, मैं हार मानता हूँ आपके पास। तो समुद्र ने कहा कि देखो, जिसमें अड़ियल होता है, अड़ियलपन होता है, जिसमें अकड़ होता है, जिसमें अहंकार होता है, वो हमेशा टूट जाता है, लेकिन जो समय के अनुसार छूट जाता है वो कभी वो टूटता नहीं है। निष्कर्ष यही निकलता है, जो समय के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है वो कभी टूटता नहीं है, वो हमेशा प्रज्वलित रहता है। जय हिंद, जय सुरक्षा पकवान। ठीक है, महेंद्र बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, और यहाँ उपस्थित सभी कर्मचारी, वीक सेफ्टी कमेटी मेंबर्स, माननीय महाप्रबंधक महोदय के रूप में पांजा साहब, पीओ साहब, सनी साहब, सीनियर सेफ्टी ऑफिसर दयालम साहब,
गुड इवनिंग मेरा अखिलेश साहब, हमारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर दास साहब तथा सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सबको एक बार फिर से बधाई। और मैं अब चाहूँगा अखिलेश साहब से कि सभी कर्मचारी अधिकारी और हमारे महाप्रबंधक श्री पांडे साहब, सब आप सभी को सादर नमन और सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। इस सुरक्षा सप्ताह इसलिए मनाया जा रहा है कि हम लोग हर एक साल सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। इस बार सुरक्षा सप्ताह को चेंज करके सुरक्षा पखवाड़ा किया गया है। एक सप्ताह के जगह पे हम लोग इस बार 15 दिन का एक पखवाड़ा मना रहे हैं। इसमें हम लोगों का मेन उद्देश्य रहता है फलरी प्रबंधन का कि सभी को सुरक्षा के प्रति जागरूक करें, और उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। और वो एक साल हमेशा ये निरंतर प्रक्रिया है सबको जागरूक करने का, और एक स्पेशल इवेंट होता है जिसमें और अच्छे तरह से इसको मनाया जाता है। और इसीलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसको और सफल बनाया जाए कार्यक्रम को। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश साहब। अब हम सुधीर बाबू से निवेदन करेंगे, हम सबको संबोधित करें। आज जो सुरक्षा पखवाड़ा के अवसर पर झंडा दलों का मुख्य अतिथि आदरणीय पंजाब साहब, खंड अध्यक्ष सनीरा साहब, संजय साहब, जितने भी अधिकारीगण हैं सभी को, मजर साथियों को भी, हमको तो कष्ट बुझा रहा है, पेट में मेरा दर्द हो रहा है। मैं 24 का 2000 के नया वर्ष के अवसर पर आज मकर संक्रांति के अवसर सभी मजदूर भाइयों को बधाई शुभकामना, ताकि परियोजना का उन्नति हो, देश का उन्नति हो, सभी का हार्दिक हृदय में स्वागत करता हूं। हमारे आज दो सीम चल रहा है 16 और 15, ताकि नहीं लग रहा है कि इंदू कंपनी का मजदूर यहां पर है। ये मेरे को पेट में ही दर्द हो रहा था। इंदू कंपनी का कोई अधिकारी है ना, कोई सुपरवाइजर है, और मैं साफ शब्द में कह देता हूं, मेरे से किसी तरह किसी से भेदभाव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी से छेड़छाड़ करता है, बर्दाश्त करने का मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। अगर कोई